की रफ्तार। क्यों डरती विद्या? मैं तुम्हारे पास हूं। हाँ, पास तो तुम हो, मगर कभी कभी ऐसा लगता है कि सूखी रेत की तरह हाथ से फिसल जाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा सिद्धन। जब तुम मुझे विश्वास दिलाते हो तो मेरा विश्वास टूट जाता है। मेरी मेरी ये समझ में नहीं आता कि जो तुम कह रहे हो वो सच है या दुनिया जीती है वो सच्चाई है। दुनिया की बातें मुझे सच लगती है और झूठ तो तुम कहते नहीं। मैं किसे सच समझूं सिद्धांत? मैं भी इस दुनिया का हिस्सा हूं। नहीं, तुम उस दुनिया का हिस्सा नहीं हो। विद्या, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, मैं चलता हूं। मेरे नहाने की वजह पूछो तो शायद तुम्हें इतना बुरा नहीं लगता। अच्छा तो बताओ, नाटक में क्यों नहीं आए? विद्या, या तो मैं नाटक देख सकता या तो हजारों ईमानदार विद्यार्थियों को न्याय दे सकता। मतलब कल जो एग्जाम्स है उसका क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। जैसे खबर मिली मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में फोन भी किया था, मगर तुम निकल चुकी। तो ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मौका कहां दिया? I'm sorry. एनीवे, फिर तुमने क्या किया? भाई, मेडिकल पूरा का पूरा पेपर बदल दिया। क्या पेपर बदल गया है मौके पे? नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं देखता हूं, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। ओके, सिद्धांत मेरे कैबिन में आइए। क्वेश्चन पेपर है सर। वो तो मैं भी देख रहा हूं। फिर क्या पूछ रहे हैं? इसके अंदर क्या लिखा है? सवाल लिखे हैं, सिद्धांत ये क्या तरीका है? क्या बात है सर, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये एंड मौके पे पेपर को बदल दिया तुमने। ये बात आपको किसने बताई? कई पेरेंट्स बता चुके हैं। लेकिन वो कैसे जानते कि पेपर बदल गया है? तुम कहना क्या चाहते हो? सर, सिवा मेरे कौन कैसे जान सकता है कि पेपर बदल गया है? ये तो वही जान सकता है जिसे ये मालूम है कि पहला पेपर क्या था। लेकिन ये पेरेंट्स कैसे जान सकते कि पहला पेपर क्या था? इसका मतलब साफ है कि पेपर लीक हुआ था, इसलिए मैंने बदल दिया। और दूसरी बात, कोई भी पेरेंट इतना मूर्ख नहीं है जो ऐसा सवाल करे। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? आप नहीं, फोन करने वाला झूठ बोल रहा है, और वो विद्यार्थियों के पालक नहीं, खुद विद्यार्थी बोल रहे हैं। और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत काम किया है। सिद्धांत, पेपर सेट करने का ये कौन सा तरीका है? इतने हार्ड क्वेश्चंस, क्या तुम सबको फेल करना चाहते हो? सर, ये परीक्षा है, यहां विद्यार्थियों की मेहनत को तौला मापा जाता है। अब मैंने जो क्वेश्चंस किए हैं वो एफ वाई को ही किए। इसी सिलेबस में से पूछे, किताबों के बाहर का कोई सवाल मैंने पूछा नहीं है।
और सर मैं अपनी दिव्य शिक्षा पर विश्वास रखता हूं और एग्जाम सिर्फ स्टूडेंट्स के नहीं होते शिक्षकों के भी होते हैं। मुझे बुद्धि पता चले कि मैंने दिव्य शिक्षा में मुझे कितने मार्क्स मिले हैं। सिद्धांत सर मुझे लगता है आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। मैं मेरा और वक्त खर्च नहीं करना चाहता, जाता हूं। बदतमीजी की बेहद होती है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी सिद्धांत। हेलो, क्या मारामारी हो रही है? किसको मार रहे हैं? रौनक को? मैं देखता हूं, तुम लड़कों को रोको। ओके। व्हाट? रौनक को मारा? किसने? कॉलेज के लड़कों ने? लेकिन क्यों? ऐसे आने दो उसे, मैं देखता हूं। ये क्या हालत बना रखी है? डैड, कोई शौक से तो ऐसी हालत नहीं बनाता ना। क्या हुआ? वो मैं मोटरबाइक से जा रहा था। लेकिन तुम तो कार में गए थे ना? हाँ, दोस्त की मोटरबाइक थी। तो फिर क्या हुआ? कार कहाँ थी? कार पंचर हो गई थी। तो फिर क्या हुआ? वो बाइक को टैक्सी ने उड़ाया। ओहो, तो तुम्हें इतनी मार लगी है? हाँ। कपड़े कैसे फटे? वो मैं साथ में घिसटता हूँ चला गया ना तो। अरे तुम्हारा सर फटना चाहिए था, खून मुंह से क्यों बह रहा है? डैड, मुझे इतनी मार लगी है, दर्द हो रहा है और आप सवाल पूछ रहे हैं? सॉरी बेटे, सॉरी सॉरी। ना 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 ना। डैड, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? बेटा झूठ बोलो, झूठ की दुनिया है, लेकिन झूठ बोलने के लिए अपना बाप भी मिला था तुम्हें। मैंने क्या झूठ बोला है? ओहो, बताता हूँ बताता हूँ। डैड, तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ, लड़कों ने तुम्हें मारा है, खूब धुलाई की है तुम्हारी। वो डैड क्या है कि? वो क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल का फोन आया था यहाँ पे। देखो रौनक, ये चिंदी चोरी मत करो। डाका डालना है तो इतना बड़ा डाका डालो कि सरकार तुम्हें बुलाए, तुम्हारे सामने बिठाकर मीटिंग करे। एक खून करोगे तो खूनी कहलाओगे, 20 खून करोगे तो बागी कहलाओगे। काम ऐसा करो कि इस हाथ की खबर उस हाथ को ना हो। लेकिन डैड, चुप रहो। मैंने तुम्हें पेपर लीक करने के लिए इसलिए कहा था कि प्रोफेसर सिद्धांत की नाक कट जाए, लेकिन तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। लड़कों ने तुम्हें क्यों मारा बताओ? पता नहीं डैड। मैं बता दूं, लड़कों ने तुम्हें क्यों मारा? झूठ, फिर झूठ। मैं बताता हूं लड़कों ने तुम्हें क्यों मारा। तुमने पेपर देने के लिए उनसे पैसे लिए थे, लिए थे कि नहीं? लिए थे। हाँ, क्यों? तुम्हें पैसे की जरूरत है, कमी है? नहीं। तुमने जरूर ड्रग्स पे उड़ाने के लिए उनसे पैसे लिए थे। डैड, सारे की गरा पर पानी फेंक दिया। शट अप, निकल जाओ, दूर हो जा मेरी नजरों से, नालायक उल्लू का बच्चा। हेलो, हेलो। ओह डीएम साहब, सॉरी सॉरी। हाँ भाई सबल कुमार, क्या कर रहे हो? अरे मातम मना रहा हूं अपनी शान का। क्या हुआ? अरे ये गधे की औलाद। कौन? अरे अपने साहिबजादे की बात कर रहा हूं। हाँ सच कहा तुमने, वो तो सचमुच गधे की औलाद है। अच्छा भाई ये गुस्सा छोड़ो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, शाम को घर आ जाओ। ठीक है, मैं फोन छोड़ता हूँ, तुम गुस्सा छोड़ दो, ठीक है? अच्छा। वाकई में गधा हूं? गुड मॉर्निंग डीएम साहब। आओ भाई सबल कुमार आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, एक बात ही हो जाए। आपके साथ ये खेल खेलना मतलब अपनी दिमाग की किताब को खोलकर आपके सामने रख देना। ये नहीं जनाब, हम ये खेल आपके साथ नहीं खेलेंगे। कैसे खिलाड़ी हो भाई, खेलने से पहले ही हार मान ली? हार माननी पड़ती है साहब, क्योंकि आदमी को शतरंज बोर्ड के सामने बिठाकर
उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी नाप लेते हैं। भाई ये तो तुम्हारी ज्यादती है, हम तुम्हारे दोस्त हैं और दोस्ती में कैसा नापना, और जिन्हें हमें नापना होता है उसके लिए इस खेल की जरूरत नहीं है। इंसान के सामने आते ही हम उसके आर पार देख लेते हैं। यही तो करामात है आपकी। तो हिचकिचा क्यों रहे हो, आ जाओ। इन शतरंज के प्यादों से क्या खेल खेलना है, एक छोटा सा प्यादा हमें बहुत तंग कर रहा है। तुम्हें तो कोई भी उठाकर तंग करने लगता है भाई। उस बुढ़िया ने तुम्हारा नाक में दम कर रखा था, अब ये नया तंग करने वाला कौन पैदा हो गया है? उस बुढ़िया रत्ना भाई का तो केस ही अलग था, ये कुछ मामला ही अलग है। ये मुद्दा क्या है? एक प्रोफेसर रमणिक लाल कॉलेज में पढ़ाता है, का नाम है सिद्धांत आचार्य। अरे भाई वाह, ये आपको कैसे पता चल गया? हमने कहा ना कि हम आदमी के आर पार देख लेते हैं। प्रोफेसर आचार्य सिद्धांतवादी। अरे काहे का सिद्धांतवादी है वो, बड़ा ही खड़ूस और अखड़ू किस्म का आदमी है, मानता ही नहीं है। मेरे रौनक को उसने कॉलेज से निकाल दिया। ओहो, आप भी तो उस कॉलेज के ट्रस्टी है ना, आप भी कुछ करिए ना। एसके, जो चीज लाठी से टूट सकती है उसके लिए तोप की क्या जरूरत है? प्रोफेसर सिद्धांत लाठी से टूटने वाला आदमी नहीं है। टूटेगा, जरूर टूटेगा, वो बहुत कमजोर आदमी है। तो फिर आपको गलत फहमी है कि आप उसे जानते हैं, आप सिर्फ उसे नाम से जानते हैं। वो तो ऐसा अड़ियल किस्म का आदमी है, उसे मुझे चैलेंज दिया है कि तोड़ के दिखाओ मुझे। एसके, वो तो बहुत ही कमजोर आदमी है, और उसकी कमजोरी है उसकी सच्चाई, उसका सफेद दामन, उसे तो बहुत ही आसानी से तोड़ा जा सकता है। एसके काम करो, उसके सफेद दामन पर थोड़ा सा कीचड़ लगा दो, उसे बदनाम कर दो, वो अपने आप ही टूट जाएगा। टीम साहब आपका ख्याल बहुत ऊंचा है। हमारे दिमाग से निकला हुआ हर ख्याल ही ऊंचा होता है। मैं प्रोफेसर सिद्धांत को ठिकाने लगाने की तरकीब सोचता हूं। अगर तुम्हारी तसल्ली हो गई हो तो वो बात करें जिसके लिए हमने तुम्हें यहां बुलाया है। जी जी जनाब, बताइए। एसके, हमें जमीन का एक टुकड़ा चाहिए। टीम साहब, कहीं आप भी तो कंस्ट्रक्शन लाइन में नहीं आ रहे हैं? हमारी बात पूरी नहीं हुई है, ध्यान से सुनो। एसके, एयरपोर्ट के पास आदर्श नगर नाम की एक बस्ती है, हमें उस बस्ती की जमीन चाहिए। ओहो, वो जमीन, अजी वो जमीन तो शुद्ध घी में बना हुआ हलवे का टुकड़ा है। सोने की खान पर नजर पड़ी है हुजूर, मुझे सौदा मंजूर है। जमीन आपकी, कंस्ट्रक्शन आपका गुलाम करें। वो जमीन हम किसी और को बेच चुके हैं। बेच चुके हैं? वो किसे? ये पूछना आपका काम नहीं है। तो फिर मुझे क्या करना है? वो जमीन खाली करानी है। ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है सरकार, ये काम आप मुझसे क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हम अपने ये दोनों हाथ जनता की सेवा में ही रखना चाहते हैं। ऐसे कामों का तुम्हें बहुत अनुभव है, आज तक तुमने जितनी भी बिल्डिंगें बनाई हैं इसी तरीके से तो बनाई हैं। टीम साहब, मैं कोई प्रोफेशनल गुंडा नहीं, ये तो हमारे दोस्त तो हो। चलो इसके बदले में हम तुम्हें एक बहुत बड़ा काम देते हैं। वो ऐसा है कि समंदर के किनारे कई किले हैं और सरकार उन किलों को 5-star होटल्स में कन्वर्ट करना चाहती है, उनमें से 2 किले हम तुम्हें दिलवा देंगे। अजी ये हुई ना बात, अगर वो जमीन सोने की खान थी तो ये हीरों की खान है, ये तो हमारे पुश्तों तक चलेगा मामला। तो ये सौदा पक्का? 100% पक्का। चलो हम तुम्हारा एक और काम करवा देते हैं। वो कौन सा? भाई पिछले दिनों हमने प्रजासत्ताक में तुम्हारे कॉम्प्लेक्स के कई इश्तिहारात पढ़े, हमें ये पढ़कर खुशी हुई कि प्रजासत्ताक से तुम्हारी दोस्ती हो गई है। ऐसी बात नहीं है हुजूर, अब विजयराज प्रजासत्ताक पेपर का मालिक नहीं रहा, अब उसका नया मालिक है विलास राज
देश रत्न, इसी खुशी में हमने इश्तहार प्रजासत्ताक को दे दिया। प्रजासत्ताक मुझसे मिलना चाहता था। मैंने कहा जी मिलने की क्या जरूरत है, हमने इश्तहार टेलीफोन पर दे दिया। ये तुमने क्या किया? क्यों किया? तुम्हें विलासराज से मिलना चाहिए था। प्रजासत्ताक से दोस्ती हमारे लिए बहुत जरूरी है। एसके, एक काम करो, तुम विलासराज को और इश्तिहारों का लालच दो। विजयराज के जमाने में यह बात मुमकिन नहीं थी, लेकिन अब कुर्सी पर बैठा है विलासराज, नया खून है, कम तजुर्बा है, और वो बहुत जल्दी में है। जो काम विजयराज ने 40 साल में किया, वही काम विलासराज सिर्फ 6 महीने में करना चाहता है। एसके, शायद वो तुम्हारी बात मान ले। काम बढ़ा लो। काम? कौन सा काम? यही कि उन इश्तिहारों के बदले में प्रजासत्ताक आपके दुश्मन सिद्धांत के सफेद दामन पर कीचड़ पोत दे। नेम साहब, ये प्रजासत्ताक में ही क्यों, ये तो किसी अखबार में भी कर सकते हैं। प्रजासत्ताक इसलिए कि प्रजासत्ताक के ऊपर लोगों का भरोसा है। जो काम प्रजासत्ताक कर पाएगा वो शायद ही कोई और अखबार कर पाए। केम साहब, आपके ब्रेन का जवाब नहीं, कहां से कहां तक सोचते हैं आप। धन्य है, मैं विलास राज से जरूर मिलूंगा। बहुत जल्द हमारी सोच पर चलो और विलास राज से जाकर मिलो। Thank you.